हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई आप लोग सबके? आई होप एवरीवन इज सो गुड। यस, दिस इज सदरा फ्रॉम सर्स गाइड बुक। ओके जी, आज सर्स गाइड बुक में चिकन गाइडेंस में जो रेसिपी है वो है एक वीगान रेसिपी, यानी कि एक जो है वो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है सब्जियों से रिलेटेड और बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही यम्मी भी बनती है। और वो क्या है जी? वो है जी आलू बैंगन की रेसिपी। ये आलू बैंगन की रेसिपी थोड़ी सी इसमें मैंने ट्विस्ट दिया हुआ है, आई होप आप लोगों को ये समझ में भी आएगी और पसंद आएगी। तो इसकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं शेयर करती हूँ आपसे। मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के। अच्छा, जो मसाले जात इसमें जो यूज़ हो रहे हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने बैगन जो है वो बैगन और आलूओं को काट के, आलू जो है वो ज़रा अंदर चले गए हैं, इन दोनों को काट के जो है वो मैंने पानी में भिगो के रख दिया है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम इसे ऐसे छोड़ देंगे बैगन को तो वो ब्लैकिश हो जाते हैं। प्याज बारीक बारीक यहाँ पर मैंने काट लिए हैं, 3 से 4 अदद लिए थे मैंने दरमियाने साइज़ के। 2 बड़े बड़े मैंने टमाटर लिए हैं, लाल मिर्च आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा, हल्दी मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ली है, पिसा हुआ धनिया यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से लिए, अदरक लहसुन मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये मैंने राई ली है, यहाँ पर सौंफ लिया है और साथ ही साथ मैंने मेथी दाना लिया है। कैसे यूज़ करूँगी मैं इसे आप देखते रहिएगा रेसिपी में, तो आप लोगों को समझ में आएगा। और इसी का जो टेस्ट है वो आलू बैंगन में मिलके इतना यम्मी हो जाता है, इतने प्यारे से ऑटम के वेदर में बहुत 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 खूबसूरत मौसम हो रहा है, और उस खूबसूरत मौसम के साथ इस तरह की मज़ेदार सब्ज़ी खाने का ना मज़ा ही और है, लिटरली आई एम टेलिंग यू। अच्छा जी, शुरू करते हैं कुकिंग। सबसे पहले क्या किया है मैंने, सबसे पहले जो मैंने बारीक बारीक प्याज काट लिए थे वो मैंने लिए, और साथ में जो मैंने सौंफ ली थी, राई लिया था, सौंफ लिया था, कलौंजी लिया था और मेथी दाना लिया था। मैं आपको राई भूल चुकी हूँ, आई एम सॉरी, वो कलौंजी है। कलौंजी, सौंफ और मेथी दाना, ये तमाम चीज़ें लेके प्याज के साथ बहुत अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है। कुछ लोग जो हैं वो इनको पहले ही तेल में डाल के अच्छे से कड़कड़ा लेते हैं, मैंने साथ में डाल के फ्राई किया है। फिर अपनी तमाम चीज़ें प्याज के साथ मुझे जो ऐड करनी है, प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सॉटे करना है, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी वो सारी 1 by 1 करके उसमें ऐड कर देनी है, यानी कि अदरक लहसुन, टमाटर, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, और साथ ही साथ आपका प्याज पिसा हुआ धनिया। ये तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा प्याज पानी डाल के, ताकि टमाटर जो है वो गल जाए, एक मसाला सा रेडी कर लेना है। याद रखिएगा, प्याज को फ्राई नहीं करना यहाँ पे, प्याज को जस्ट सॉटे करना है कि प्याज का कलर चेंज हो जाए और वो वाइट सा हो जाए। पानी डाल के थोड़ी देर से ढक के छोड़ दें, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, वो गल जाए, एकदम एक मसाला सा, एक पेस्ट सा रेडी हो जाए। बहुत ज़्यादा फाइन मसाला रेडी नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो टमाटर हैं वो गल जाए। और फिर उसके बाद जो आलू और बैंगन मैंने काट के रखे थे और साथ ही साथ जो है वो उन्हें भिगो के रखा हुआ था, वो उसमें ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे बैंगनों के जो हैं वो जो छिलके थे वो मैंने छील दिए थे, पील ऑफ कर दिए थे। कुछ लोग होते हैं वो नहीं करते, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो नहीं किया, उसको मैंने जो है पील ऑफ कर लिया था। आप लोग उठना चाहें तो रखें। हरी मिर्चें अपने हिसाब से ऐड कर लें, हमारे यहाँ ज़रा कम खाई जाती हैं बच्चों की वजह से, हर रेसिपी में आप लोगों को ये बात मैं बताती हूँ, आप लोग हमेशा अपने हिसाब से हरी मिर्चों का रखें इस्तेमाल यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है वो उसको अच्छे से पानी डाल के, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के, ना कि आपकी सब्जियाँ उसमें डूब जाएं थोड़ी सी, और फिर उसको आलू और बैंगन को गलने के लिए छोड़ दें, और फिर आप आराम से थोड़ी देर बैठ जाएं। उतने देर में आप अपने जो भी आपने रोटी के साथ खाना है या चावल के साथ खाना है, अपने चावल रेडी करें या रोटी रेडी करें। मैंने जो है वो यूजली इसको चावलों के साथ प्रेजेंट किया था और खाया था, और लिटरली आलू बैंगन और चावल इतने कोई मज़े के लगते हैं ना कि ना को बता नहीं सकती। अब यहाँ पे मेरे जो है वो आलू जो है वो ऑलमोस्ट गल गए थे, बैंगन तो फ़ौरन ही बहुत जल्दी गल जाता है, और यहाँ जो थोड़ा सा पानी ज़्यादा रह गया है वो मैं यहाँ ड्राई आउट कर रही हूँ। मेरे पास हरा धनिया नहीं था यार उस दिन, आप लोगों के पास अगर हरा धनिया हो तो काट के ऊपर से ज़रूर इसको स्प्रिंकल करिएगा। हरा धनिया की खुशबू आलू बैंगनों के साथ बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पे देखें, एकदम बहुत ज़्यादा पानी इसको ड्राई आउट नहीं करना है, वरना बहुत ही ज़्यादा सूखा सा सालन ये सब्ज़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो उसे बहुत ज़्यादा उसका पानी ड्राई आउट नहीं किया है, थोड़ा सा मसाले के साथ रखा है, और मज़ेदार सी सब्ज़ी रेडी हो गई है जी मेरी आलू और बैंगनों की। अब जब ये इतनी ट्रेडिशनल सी आलू बैंगन की रेसिपी है तो उसे प्रेजेंट भी थोड़ा ट्रेडिशनल अंदाज में करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने जो है वो मिट्टी की हांडी में उसे निकाला था, और सब्ज़ियाँ यूजली जो है वो मिट्टी की हांडी में बड़े मज़े की लग रही होती हैं। गरम गरम चावलों के साथ मैंने इसको जो है वो प्रेजेंट किया था, एंड आई एम टेलिंग यू इतना कोई मज़े का ये खाना लग रहा था। साथ में अगर आपके यहाँ अचार भी हो और सलाद भी काटें, और दाल तो नहीं बनाई थी, चावल और आलू बैंगन और अचार और सलाद, ओ हो,
मज़ा आ गया जी। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत 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 अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय चू।